अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह से दुआ है कि आपको अल्लाह खैरियत से रखे। आज वेन्यू थोड़ा सा चेंज है, तो ऑब्वियसली आज संडे है तो ऑफिस से छुट्टी है, तो घर में बैठे हैं। वीडियो क्यों बनाने की ज़रूरत महसूस हुई? आज बैठे बैठे अचानक प्रोग्राम बना के अपनी बाइक को चेंज करते हैं, तो उसकी स्टोरी कुछ यूँ है कि मुझे 3-4 साल मैंने पहले हैवी बाइक्स रखी, तो वो फॉर सम रीज़न मुझे सेल आउट करनी पड़ी। उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी मुझे, तो डॉक्टर ने एडवाइस किया कि मेरे वो चेहरे का मसला बन गया था, पैरालिसिस हो गया था, तो डॉक्टर ने कहा कि आप हैवी बाइक 5-6 माह के लिए ना चलाएं। तो मैंने इसलिए उसको सेल आउट कर दिया। तो उसके बाद मैंने 70 परचेज़ की, मैंने कहा टाइम पीरियड के लिए चाहिए तो चलें 70 ले लेते हैं, 5-6 माह बाद उसको बेच के तो दोबारा हैवी बाइक ले लेंगे। लेकिन 70 पे मुझे मज़ा नहीं आया, जो मुझे आदत पड़ चुकी थी हैवी बाइक चलाने की, उस 70 पे मज़ा नहीं आया। तो आज बैठे बैठे संडे था, घर पे बैठे बैठे अचानक प्रोग्राम बना के बाइक को चेंज करते हैं। तो जब मैंने नेट पे सर्चिंग की तो मुझे YBR-G यामाहा की 125 YBR-G जो है वो मुझे बड़ी अच्छी लगी, तो मैंने फौरी तौर पर शोरूम वालों को फ़ोन किया। उन्होंने कहा जी हमारे पास अवेलेबल है, मुझे रेड कलर चाहिए था तो मुझे रेड कलर अवेलेबल हो गया। तो मैंने कहा चलें जी आप बाइक ख़रीद के लाते हैं। तो मैंने कहा कि मैं वीडियो बनाता हूँ, आपको भी अपनी इस परचेजिंग में साथ साथ रखूँगा। तो चलते हैं अपनी बाइक की परचेजिंग की तरफ। जी तो ये हम शोरूम पे पहुँच गए हैं और ये वाली बाइक हमने सेलेक्ट की है जी, रेड कलर में। इसका आपको 360 व्यू देते हैं, जगह तंग होने की वजह से मैं मज़ीद पीछे नहीं जा सकता। लुक तो अच्छी है, प्यारा लग रहा है। इसकी बैटरी वगैरह फिट कर रहे हैं और इसका वो यामाहा YBR-G 125G। ये है जी हमारी बाइक की शॉपिंग। ठीक है चलो काम। ये वाले हैं जी इंडिकेटर वैसे मिलेंगे। तो इसका फाइनल क्या करेंगे? ये सर 3000 नहीं फाइनल करेंगे, रियायत करेंगे। अच्छा इंडिकेटर के साथ ये ब्लिंक करेंगे? हाँ जी इंडिकेटर के साथ। यहाँ पे 2500 में डन करेंगे जी? नहीं सर ये भाई नहीं दे रहे जी 2500 में, ये 3000 पे दिखाइएगा। 3000 के कह रहे हैं, कैसे हैं लगेंगे? क्यों हनी क्या ख्याल है? आप बताओ ना। ऑयल आ गए तो ये आप ही फिट करके देंगे? हाँ जी यहीं पे वह कर दें फिर। चलें जी डन हुआ 3000 में, 190 की बाइक और 3000 के खाली मिरर, जुल्म है यार। चलें मर्जी है। उन मिरर्स में इंडिकेटर भी था तो मैंने कहा चलें वही लगवा लेते हैं, प्यारे लगेंगे इसको। असल में हैवी बाइक इस्तेमाल कर करके ना तो वो शौक पड़ा हुआ है इस तरह के मिरर्स का, तो इसलिए मैंने कहा चलें यही लगवा लेते हैं। क्यों हनी मिरर प्यारे लगेंगे ना? ये छोटे भाई जो हैं ये पता नहीं क्या कर रहे हैं। बच्चे को फेमस कर देंगे ना। ये इसकी बैटरी वगैरह पड़ी हुई है। महमूद खोकर आपके शोरूम का नाम भी दे दें? नहीं आपके तो फायदे भी नहीं है।
ये डब्ल्यू के यामाहा शोरूम है, के डब्ल्यू सॉरी के डब्ल्यू, और मेरी इनसे सुबह मैंने नेट से ही सर्च किया था इनको, और सुबह मेरी फ़ोन पे बात हुई इनसे, तो इन्होंने कहा कि हमारे पास अवेलेबल है रेड में यामाहा YBR G125। तो फिर मैंने कहा चलें जी चलते हैं जाके इसकी शॉपिंग करते हैं। के डब्ल्यू यामाहा का शोरूम है उकाड़ा में, ये फैसलाबाद रोड पे है। अच्छे भाई हैं लेकिन इन्होंने मिरर महंगे दिए। चले कोई बात नहीं, ठीक है रेट पता कर देना। जस्ट जोकिंग। ये यानी है जी मेरे भांजे साहब, और ये मुझे कंपनी देने के लिए मेरे साथ आए हैं कि मामू जो है वो वापसी पे अकेला ना बाइक चला के आए। ये मिरर एडजस्ट किए जा रहे हैं। इनमें इंडिकेटर्स हैं, आप जब ये फिट हो जाएंगे तो आपको चला के दिखाएंगे इसको। ये जी इसमें स्टार्ट करने के लिए फिलहाल थोड़ा सा पेट्रोल डाला जा रहा है। चलें जी उधर जाके उनसे मिरर की पेमेंट्स करते हैं। ये ताहिर साहब हैं जी, मैनेजर हैं मेरा ख्याल है। ये जी मिरर की पेमेंट। आप ऑनर हैं शोरूम के? हाँ जी। आपका क्या नाम है? जैन। जैन साहब हैं जी यामाहा शोरूम के ऑनर, के डब्ल्यू, और ये फैसलाबाद रोड पे है। भाइयों ने कोई जिद नहीं की कि हमने ब्लैक में देना है, इस तरह करना है, पहले बुकिंग करवाएं, कोई चक्कर नहीं है। कोई सर ऊपर पैसे नहीं है कोई। हाँ, जो चीज मौजूद है वो आपको नेट रेट पे मिलेगी। लोग ये डीएक्सएल हॉर्न 12-12 13-13 हजार ले रहे हैं। अब बिल्कुल इसी तरह ही मैंने भी जब पता किया था पहले तो मुझे भी वो 5,000 रुपए मांग रहे थे। जीरो अच्छा एक मिनट की मैं पहले इसको स्टॉप कर लूँ जी। तो ये शोरूम पे एक्सेसरीज अवेलेबल है, आप देख रहे हैं वो शॉर्टी क्लच लीवर्स हैं, ब्रेक लीवर्स हैं, और ये मिरर साइड इंडिकेटर्स हैं, ये की चेन वगैरह पड़े हुए हैं, ये ब्रेक पैडल हैं, गियर पैडल हैं सॉरी जी। मुझे तो इनके रेट्स पसंद आए हैं, आप भाइयों का पता नहीं है। इनके पास स्पेयर पार्ट्स भी अवेलेबल हैं, और बाइक भी तकरीबन सारे मॉडल ही खड़े हुए हैं, और ये कोई ऑन जो है ये इस पे वसूल नहीं करते। आपको जो है ना एट द स्पॉट कंपनी रेट पे बाइक मिलेगी जो भी आप बाइक लेंगे। ये मुझे इनकी बात अच्छी लगी है, क्योंकि मैंने जिस भी डीलर से पता किया था वो 2-3 हज़ार 4 हज़ार रुपये ऊपर ही मांग रहे थे, या कहते थे बुकिंग करवाएं। तो ये हमारे मिरर जो हैं ये एडजस्ट हो गए हैं जी। ये छोटा बच्चा जो है ये बैटरी फिट कर रहा है।
साथ है। ये एडजस्टमेंट कर रहे हैं जो साइड मिरर के इशारे लगा हुए हैं वो उनको एडजस्ट कर रहे हैं। क्या हुआ? नहीं वो फर्स्ट स्टार्ट की स्मेल इस तरह आती है। अभी इसके जैन वगैरह ये वो हीट होंगे ना तो स्मेल देंगे ना वो। ये भाई फर्स्ट राइड कर रहे हैं इसको चेक करने के लिए कि कोई इसमें कोई मसला तो नहीं है। ये फर्स्ट राइड ये करेंगे घर को। यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। फर्स्ट ड्राइव है यामा वाइटिया की, बहुत ज़बरदस्त राइडिंग है, स्मूथ राइडिंग है, गियर शिफ्टिंग बहुत सॉफ्ट है, शाफ्ट इसके अच्छे वर्किंग में है और एक्सीलेटर इसका बहुत ज़बरदस्त है। तो अभी फिर घर चलते तो फिर आपको दोबारा ये देखें जी, बहुत प्यारा रोड है। बाइक से देखें और ये हमारी बाइक देखें। ये कमाद के गेट हैं सामने जिनसे शुगर बनती है। जी तो ये बाइक लेके हम घर पहुंच गए हैं। वो मेरी पहले बाइक खड़ी है 70, वो भी 21 मॉडल और ये भी 21 मॉडल है, लेकिन उसकी राइड का कोई इतना मज़ा नहीं था। उम्मीद है इसको एंजॉय करेंगे। ये इसका 360 बहुत ज़बरदस्त राइड थी इसकी, बड़ी स्मूथ राइड थी और इसके सस्पेंशन बड़ी ज़बरदस्त, ब्रेक्स बहुत ज़बरदस्त और बड़ी कम्फर्टेबल राइड थी इसकी। बहुत इंजॉय किया। उकाड़ा से लेके आए हैं तो